हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं आपके साथ तड़के वाली चने की दाल बनाने जा रही हूँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये चना दाल है। तो सबसे पहले चना दाल को बनाने के लिए मैं इसे पानी से धोकर अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसे भिगो के पानी में ही छोड़ दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तड़के वाली चना दाल बनाने, वो भी कृतिकास मॉम किचन स्टाइल में। तो चने की तड़के वाली दाल बनाने के लिए मैंने चना दाल को धोकर अच्छे से इसे पानी में फूलने के लिए रख दिया है। और जब तक दाल फूल रहा था तब तक मैंने 2 प्याज को छील लिया, अच्छे से धो लिया था। 2 टमाटर लिया है, हरी मिर्च लिया है कुछ, अदरक और ये धनिया पत्ता, जिससे हमारी चने की दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इधर मैंने कुकर भी ले लिया है, तो कुकर में सबसे पहले चने की दाल को उबालना है हल्दी नमक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चने की दाल तड़के वाली। तो कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है, ये धोई हुई दाल को कुकर में डाल देते हैं। मैं हमेशा चावल दाल बनाने से पहले 10-15 मिनट उसे धोकर पानी में सोक कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से वो फूल जाता है और झटपट हो भी जाता है। तो इसमें आप मसाले ऐड करते हैं। तो हल्दी पाउडर सबसे पहले, नमक बस इतना ही जाएगा और इसे इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसकी 4 विसिल आने तक का वेट करते हैं। तो इधर मैंने दाल को रख दिया है। तो इस साइड में तो सबसे पहले कुकर को तो मैंने गैस पे रख दिया है और तब तक मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को फाइन चॉप्ड कर लेती हूँ। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो टमाटर को मैंने बहुत ही अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, हरी मिर्च, प्याज को भी, और ये अदरक लिया था मैंने, इसे भी चॉप कर लिया, और धनिया पत्ता को भी नहीं काटा है। धनिया पत्ता को लास्ट में इसे कट कर लेंगे अच्छे से। तो कुकर की पहली सीटी आ गई थी तो मैंने गैस को सिम कर दिया है। तो चलिए जब तक दाल बनेगी तब तक मैं तड़का की तैयारी कर लेती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, तो इसे गैस पर रखते हैं और दूसरे चूल्हे पे कुकर को रखते हैं। तो कुकर को मैंने पीछे रख दिया है और आगे कढ़ाई रखा है जिसमें तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़के में मैं थोड़ा सा जीरा लूंगी। तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो इसमें मैंने सरसों तेल डाल दिया है, जिससे हमारा दाल बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। 2 तेज पत्ता लिया है, इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा और इसे अच्छे से भूनने देते हैं। जीरा बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ और साथ में प्याज। प्याज को ब्राउन करना है अच्छे से। तब तक मैं धनिया पत्ता को काट लेती हूँ।
तो प्याज बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। सबसे पहले अदरक, जिसको बारीक मैंने काटा था, टमाटर, टमाटर को थोड़ा गलाने के लिए इसमें नमक डालेंगे, कम हल्का सा नमक, क्योंकि दाल में भी मैंने डाला था, तो हल्का सा, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इसमें मैं किचन किंग डाल रही हूँ थोड़ा सा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। किचन की आधा छोटा चम्मच डाला था मैंने, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है और कुकर में 4 सीटी आ चुकी थी, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और कुकर की एयर निकलने तक का वेट करते हैं। तब तक इधर हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए प्याज टमाटर के साथ। कुकर की के अंदर जितना एयर था सब निकल चुका था, तो इसे मैं चेक कर लेती हूँ दाल गला है कि नहीं अच्छे से। दाल बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और इधर जो मैंने दाल के तड़के के लिए प्याज को और टमाटर को फ्राई किया है, ये भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें उबाला हुआ दाल को डालते हैं। सारा दाल कुकर का मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है जो अभी उबलेगा, तो बिल्कुल इसे अच्छे से उबलने देते हैं। बहुत जल्दी वाली रेसिपी है, झटपट बन भी जाती है। तो इसके साथ दाल फ्राई के साथ खाने के लिए मैं इसमें जीरा राइस बनाऊंगी इसके लिए थोड़ा सा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और धनिया पत्ता मैंने पहले से ही काट के रखा है, तो भी इसे मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। धनिया पत्ता का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 1 मिनट तक अच्छे से उबलने देते हैं। दाल बनकर हो चुकी है तैयार, तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो चलिए मैं इसे इस बर्तन में निकाल लेती हूँ और दाल के ऊपर डालने के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से घी को थोड़ा गर्म करके इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया था, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है दाल देखने में। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए, मैंने तड़के वाली चने की दाल बना के तैयार कर लिया गाइस। और इसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया था घी और कश्मीरी लाल मिर्च का, तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से मैंने डाला है। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से झटपट से आप तड़के वाली चने की दाल घर में बना सकते हो। तो कैसी लगी आपको मेरी यह रेसिपी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ में गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।